told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay. तो वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो गाइस, आई होप आप सब बढ़िया होंगे, सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा, पढ़ाई वढ़ाई सब सही चल रही होगी। तो यार कॉन्टीन्यूसली वीडियोस डालना ना मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया है इन दिनों में, और लगभग एक महीना हो गया मेरी लास्ट वीडियो आई हुई, और मैं उस चीज़ के लिए डालना भी नहीं चाहता कि मैं कॉन्टीन्यूसली लोगों को बोर करता रहूँ। कि एक चीज़ मैं थोड़ा सा क्वालिटी कंटेंट की, हाँ मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ, मैं कुछ ऐसा कर पाऊँ जिससे उन लोगों को कुछ मिले, ना कि वो जस्ट एज ए वीडियोज़ को देखें। आई वॉन्ट कि वो एज ए नॉलेजेबल थिंग उस चीज़ को देखें। तो आज स्टार्ट करने वाला हूँ मैं एज यूजुअल रूटीन जो मेरा रहता है पढ़ने का, न्यूज़पेपर से स्टार्ट करूँगा देन टिल लास्ट। सो स्टार्ट करते हैं पढ़ना, आप लोग साथ रहो, लास्ट तक वीडियो देखो। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा क्वालिटी कंटेंट मिलने वाला है। हम कुछ UPSC रिलेटेड चीज़ें भी डिस्कस करेंगे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कितने टाइम में कौन सा सब्जेक्ट ख़त्म कर लेना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो इट्स 8:30 एंड न्यूज़पेपर के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। यार न्यूज़पेपर पढ़ना आज के दिन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पेपर टोटली करंट अफेयर ओरिएंटेड हो चुका है डायरेक्टली। तो आपको ठीक है फैक्चुअल क्वेश्चंस भी मिलते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी मिलते हैं, बट दे आर मिक्सड अप ऑफ करंट अफेयर्स। तो आपको आजकल ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो गया है, तो करंट अफेयर अपने अप टू डेट रखो। लगभग 50-60% करंट अफेयर मिक्सअप क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपकी करंट अफेयर्स क्लियर नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे, एंड करंट अफेयर भी तभी कर पाओगे जब आपके बेसिक्स क्लियर है। तो बेसिक्स के लिए आपको डायरेक्टली करना क्या है, आपकी स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करनी है, NCERTs फॉलो करनी है, जो भी आपको, अगर आप कहीं किसी इंस्टीट्यूट से कोचिंग ले रहे हो, आपको उसका अगर सही लग रहा है कंटेंट, उस चीज़ के नोट्स, या आपको कुछ ऐसा लग रहा है। देखिए ये चीज़ें ना थोड़ी सी वो हो जाती हैं कि हाँ आप अगर किसी इंस्टीट्यूट में कोचिंग कर रहे हो और फिर आप वो कोचिंग से पढ़ के आप या तो स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करो या फिर उसके जो वो लोग नोट्स प्रोवाइड करते हैं, मेरे हिसाब से कोई भी इंस्टीट्यूट ख़राब नोट्स नहीं देता है ना GS के लिए। तो आप कर सकते हो फॉलो, मैं उस चीज़ को रिकमेंड बिल्कुल करूँगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको कि आप कोचिंग कर रहे हो तो आप कोचिंग के नोट्स छोड़ो, जो उन लोगों ने नोट्स इन द सेंस कि जो बुकलेट्स वो लोग देते हैं तो वो लोग वो छोड़ के आप स्टैंडर्ड बुक्स ही पढ़ो। नहीं, आप कुछ भी पढ़ो बट उस चीज़ को कंटिन्यूसली पढ़ो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि आप जितनी बार भी उस चीज़ को रिवाइज करोगे आपके माइंड में एक स्ट्रक्चर बनता जाएगा हर एक चीज़ का, तो आप वो चीज़ करो। तो अभी पढ़ते हैं द हिंदू जो मैं पढ़ता हूँ, लोगों की चॉइस होती है, इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ते हैं लोग, द हिंदू भी पढ़ते हैं, बट मैं द हिंदू पढ़ता हूँ बिकॉज मैं थोड़ा लोगों के लिए डिफ़िकल्ट रहता है क्योंकि इसकी वोकैबुलरी थोड़ी अपर लेवल की रहती है, बट कर लेता हूँ मैं, हो जाता है आराम से। तो अभी इसी को पढ़ते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो अभी के लिए न्यूज़पेपर हो गया है कंप्लीट, और मैं आप लोगों को ना एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि आप लोग सब पूछते हो कि न्यूज़पेपर के नोट्स बनाने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है। देखो मैं द हिंदू पढ़ता हूँ, मैंने ऑलरेडी बताया अभी, तो मैं उस चीज़ को आपको एक बार बता देता हूँ कि कैसे और कौन सी न्यूज़ इम्पोर्टेंट होती हैं पढ़ना, कौन सी न्यूज़ आपको पढ़ना है, कौन सा स्किप करना है, कौन सा पोर्शन आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है, कौन सा आपको जल्दी जल्दी पढ़ देना है। तो चलिए अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो
ये चीज़ थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर इज़ द बेसिक नेसेसिटी इन UPSC इन टुडेज़ टाइम। सो एक बार ज़रूर देख लेना, मैं एक बार बता देता हूँ आप लोगों को। आप लोगों को बता दूँ, जस्ट हार्डली 40 मिनट्स लिए हैं मैंने, 8:30 बजे स्टार्ट किया था पढ़ना, 9:10 हुए अभी। तो आप लोगों को फर्स्ट चीज़ क्या करनी है, आपका टाइम मैनेजमेंट, कि न्यूज़पेपर में आपको कितना टाइम देना है, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप टाइम इम्पोर्टेंट है, प्लस आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है, क्या स्किप करना है, क्या आपके ऑप्शनल के लिए इम्पोर्टेंट है, क्या आपकी GS के लिए इम्पोर्टेंट है। वो चीज़ें आपको उसमें से निकालनी पड़ेंगी ढूंढ ढूंढ के, ठीक है। ढूंढ ढूंढ के तो क्या निकालनी पड़ेंगी, एक टाइम के बाद आपका इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आपको देख के पता चलेगा ये न्यूज़ मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, ये स्किप करने लायक है। तो टाइम तो इतना है कि एक नया स्टूडेंट हो तो मेरे हिसाब से 1 घंटा 10 मिनट या 1 घंटे के आसपास का टाइम ले लेना चाहिए उसको। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि देना चाहिए, और रेलिवेंट भी नहीं है। और एक जो काफ़ी टाइम से पढ़ रहा है उसको तो पता ही है कि कितना टाइम देना, उसके लिए तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ जो नए स्टूडेंट से या कोई भी ऐसा जिसको खास नॉलेज नहीं है न्यूज़पेपर की, और स्पेशली UPSC रिलेटेड क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, मैं उसी चीज़ को बताऊंगा। तो ये देख सकते हो आप, ये एक नया पैनल बना है गवर्नमेंट ने बनाया NSO डाटा रिव्यू के लिए, रिव्यू ऑल NSO डाटा। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इस टाइप से आप नीचे जाएंगे, न्यूज़ ये जो है ये पूना पूना चेतास को जो मेडिकल जो उनकी डेथ हो रही है उनके लिए कोई एक ये उसका मेडिकल रिव्यू करेंगे, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। और ये जो ये पॉलिटिकल न्यूज़ है जितने भी हैं, हरियाणा गवर्नमेंट दिल्ली गवर्नमेंट ने जो भी दिया है, ये सब न्यूज़ मुझे नहीं लगता इम्पोर्टेंट है। और ये भी पॉलिटिकल है, ये भी पॉलिटिकल है। देखो न्यूज़पेपर करने का जैसे ज्योग्राफी है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं मेंशन, थोड़ा सा उस चीज़ को थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है। जैसे न्यूज़पेपर में आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है, मेरा जैसे ज्योग्राफी ऑप्शनल है, आप लोगों को थोड़ा सा ये कि कन्वेंशन हो रहा है कोई इन्वायरमेंट रिलेटेड, कोई एक्ट आया, कोई न्यू ट्रीटी हुई है किसी कंट्री की, इंटरनेशनली क्या चल रहा है, UN में क्या चल रहा है, ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई नई स्पीसीज आई है, कोई न्यू स्पीसीज एक्सटिंक्शन पे गई है, कोई रेड लिस्ट में आई है, कोई डेंजर लिस्ट में आई है, हाँ वही जो रेड डेंजर IUCN की रेड लिस्ट डेंजर्ड है, कोई इंडेंजर्ड है, कोई क्या है, वैसे ये चीज़ें आपको बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान से करनी पड़ेंगी। और जिसका पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस है उनके लिए तो IRB करना है, उनको पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड जो भी नई स्कीम्स हैं गवर्नमेंट ने जो, वो तो एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए बस उनको थोड़ा सा पॉलिटिकली और अवेयर रहना पड़ता है, न्यूज़पेपर में उनका काफ़ी काम बढ़ जाता है। तो ये देखो ये नया नई स्पीसीज अलुग उलुग गिबॉन के लिए, ये नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। और एक ये है, और एक और आया आज के लिए इम्पोर्टेंट, जैसे स्पीसीज रिलेटेड कोई भी आर्टिकल हुआ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स भी आप लोगों को इसी चीज़ के थोड़े से राइट कर लेने चाहिए, लिख लेना चाहिए कि हाँ कौन सी स्पीसीज क्या चल रहा है, तो ये सब थोड़ा सा ध्यान से करो। और बाकी तो ये सब पॉलिटिकल न्यूज़ है। ये रहा ये कॉमनली फाउंड सिकाडा स्पीसीज शेड्स फॉरेन टैक्स टू एम्बेरेस इंडियन आइडेंटिटी, ये भी ये जो नया नाम दिया है इसको पुराना चिविडा, तो ये सब थोड़ा सा आपको ध्यान से करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है इन्वायरमेंट के लिए भी, और जिसका ज्योग्राफी ऑप्शनल है उसके लिए भी, और वैसे GS के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये सब आपको इनके नोट्स लिखने चाहिए जो इस टाइप की स्पेसिस वगैरह, या कोई उनका नाम चेंज हुआ या कुछ भी, और मेन चीज़ जो होता है वो एडिटोरियल होता है द हिंदू में भी या कोई भी न्यूज़पेपर में। तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें इन्हीं में मिलेंगी जहाँ से आपके मेंस के क्वेश्चन डायरेक्ट डायरेक्ट आते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस मोस्टली इसी में होता है, कोई न्यू स्कीम कुछ भी ऐसा होता है जो इंडिया में चल रहा है आउटसाइड इंडिया चल रहा है, वो सब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, वो सबसे ज़्यादा टाइम भी ये चीज़ लेती है। तो ये चीज़ सबसे डिफ़िकल्ट वोकेबलरी के साथ भी आता है द हिंदू में, आप लोगों को थोड़ा एडिटोरियल समझने में स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। तो ये चीज़ें करनी है, जैसे आज आया है जो इंडिया फ्रांस रिलेशंस के ऊपर आया है, ये आपको स्किप करना है क्योंकि ये हिंडनबर्ग वगैरह ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, और ये यूक्रेन का भी काफ़ी टाइम से चल रहा है तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ ये आप कर सकते हो कि स्टेट्स जो है नॉर्थ इंडिया में जो फ्लड्स आए हैं दिल्ली में, हरियाणा पंजाब ये सब हिमाचल, ये फ्लडेड हैं इस टाइम पे, तो
स्टेट मस्ट कोऑर्डिनेट टू बोल ए ज्वाइंट स्ट्रेटजी टू कम्बैट फ्लड्स। तो इनको कोई एक ज्वाइंट स्ट्रेटजी बनानी चाहिए फ्लड से कम्बैट करने के लिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ऐसे ही आप नीचे जाओगे, आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको बस ये चीज़ कंसिडर करनी है कि आपको छोड़ना क्या है, पढ़ना क्या है, बस आपका हो जाएगा, समझ तो आ जाएगा। धीरे धीरे आप पढ़ते रहोगे, आपको समझ आता रहेगा। और तो ये इसमें हाँ, ये जो डील हुई है एचयूएल और साफ्रान, साफ्रान फ्रॉम फ्रांस और एचयूएल फ्रॉम इंडिया, ये भी है। ये पीएसआईआर स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम क्वाइट ट्रांसपेरेंसी ह्यूमन चेंज ड्राइविंग चेंज, तो ये पीएसआईआर स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। और बाकी तो ये पॉलिटिकल न्यूज़ हैं, ये इतनी इम्पोर्टेंट है नहीं, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी या ऐसे भी। लाइटनिंग नेचुरल, लाइटनिंग नॉट ए नेचुरल डिजास्टर सेट सेंटर, ये भी पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि थोड़ा सा ये ना इन्वायरमेंट के एंगल से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, नेचुरल डिजास्टर से भी हो जाता है इम्पोर्टेंट। तो ये चीज़ पढ़ना ज़रूरी है कि गवर्नमेंट क्या कुछ कर रही है इन रिसेंट डेज, रिसेंट ईयर्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट है पढ़ना। बाकी तो आज के न्यूज़पेपर में आज सच कुछ खास है नहीं। ये रसिया बॉम्ब बॉम्ब ये सब आप स्किप कर सकते हो, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये थोड़ा सा ये है, ये आप पढ़ सकते हो अगर इंटरेस्ट है तो आपको। ये डेंजरस हीट वेव्स फेल्ड अक्रॉस ग्लोब एज वाइल्ड लाइफ वाइल्ड फायर्स रेज। सॉरी, मैं एक्चुअली मैं ना फ़ोन में देख रहा हूँ तो वहाँ से एकदम से वो थोड़ा सा ऊपर नीचे करने में इसमें थोड़ा लेट होता है ना, तो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाती है वर्डिंग। और यही है यार, बस आप लोग पढ़ सकते हो इसको। न्यूज़पेपर स्पोर्ट्स आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप पढ़ो, अदरवाइज़ तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा इसमें टाइम वेस्ट करने का। और नोट्स जो मैंने बताया वो आप लिख सकते हो, जैसे कोई स्पीसीज है, कोई न्यू इन्वेंशन हुआ है, कोई कंट्री में कोई नया लॉ आया है, कोई एक्ट आया, कुछ भी आया है, जो भी क्या प्रोसीडिंग्स चल रही हैं कंट्री में, कुछ नया ऐसा चल रहा है, जैसे UCC चल रहा है, पीछे एक चल रहा था वो आर्टिकल 124 कुछ ऐसा चल रहा था, वो चीज़ें आपको थोड़ा सा उन चीज़ों को पढ़ लेना चाहिए करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो इम्पोर्टेंट रहेंगी। तो मेरे हिसाब से मैंने बहुत डिटेल बता दिया है और ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आप लोग जैसे मैंने बताया वो चीज़ आप देख फॉलो भी कर सकते हो, या मैंने अपने अकॉर्डिंग बताया है, आप लोगों को थोड़ा सा और जिस हिसाब से ठीक लगे वो भी कर सकते हो, बट मैंने अपने जो मैं अपने आप कर रहा हूँ वही बताया है। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, अभी इसको ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी वीडियो, नॉलेजेबल मिला होगा कुछ। और फ्यूचर में ऐसी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।